हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.1 फोर्थ क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन है। 30 वुमेन्स वेर एग्जामिन्ड इन हॉस्पिटल ए डॉक्टर देयर हर्टबीट। 30 वुमेन्स का हॉस्पिटल में एग्जामिन टेस्ट हुआ, उन लोगों को टेस्ट करे तो क्या गया, क्या टेस्ट करे, उन लोगों का हार्ट बीट को टेस्ट करे पर मिनट में कितनी बार वो धड़क रहा, तो रिकॉर्डेड यहां पर समराइज्ड एज शोन। क्या करे वो लोग, समराइज लिख लिए एक जगह पर कितने वुमेन्स का कितने बार धड़क रहा। फाइंड द मीन ऑफ द हार्ट बीट मिनट दोज वुमेन्स, चूज द सुटेबल। इसको दोबारा हम मेन मालूम करना है सुटेबल मेथड से। अब जैसा यहां पर दे दिया, टू वुमेन्स का एक मिनट में 65 से 68 टाइम लोगों का हार्ट बीट धड़क रहा, फोर वुमेन्स का 68 से 71, थ्री वुमेन्स का इस तरह दे दिया। दोबारा से हम क्या करेंगे, एज इट इज मेथड ले लेंगे। यहां पर दो फाइव बॉक्सेस बनाएंगे, पहले बॉक्सेस में गिवन है, सेकंड बॉक्सेस में गिवन है, एक एक्स आई दे दिए, एक एफ आई दे दिए, थर्ड वाले बॉक्स को मिड वैल्यू एफ एक्स दे दिए, यू आई इज इक्वल एक्स आई माइनस ए बाई एच दे दिए, उसी तरह सिग्मा एफ आई यू आई दे दिए। अब देखिए मिड वैल्यू ऑफ एक्स, ये दोनों को ऐड करेंगे दोबारा से, 65 और 68 अगर आप ऐड करेंगे तो 133 हो जाएगा, 133 हो जाएगा। 133 को अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो 66.5 आ जाएगा। देखिए 65 में 3 ऐड करें 68, उसी तरह 3 ऐड करेंगे 70, तो h इज इक्वल टू आ गया 3। अब इसके अंदर 3 3 ऐड करते जाएंगे, 3 ऐड करेंगे 69.5, 3 ऐड करेंगे 72.5, 3 ऐड करेंगे 75.5, 3 ऐड करेंगे 78.5, 3 ऐड करेंगे 81.5, 3 ऐड करेंगे 84.5। ये हमारा थर्ड वाला बॉक्स आ गया। अब सेकंड में सबसे बड़ा नंबर देखिए आप कौन सा है, 8 है, तो 8 के बिल्कुल बराबर बाजू वाले क्या करेंगे, हम इसको दे देंगे a, ये हो जाएगा 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, उसी तरह 1 2 3। सिग्मा एफ आई यू आई में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 से क्या हो जाएगा 6, 4 2 हो जाएगा 8, 3 1 हो जाएगा 3, 8 0 0, 7 1 7, 4 2 8, उसी तरह 2 3 6। ये तीनों को ऐड करेंगे माइनस वाले तो हो जाएंगे माइनस 17, ये तीनों को ऐड करेंगे प्लस वाले तो हो जाएगा 21। यहां पर आप लिख सकते हैं सिग्मा एफ वाई यू आई इज इक्वल टू माइनस 17 प्लस 21, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। उसी तरह यहां पर दे देंगे सिग्मा एफ वाई, ये पूरों को अगर ऐड करेंगे तो आपके हो जाएंगे 30। अब यहां पर आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आ गया आंसर आपका 75.5, सिग्मा एफ आई आ गया हमको 30, सिग्मा एफ आई यू आई आ गया हमको 4, एच पहले से हमको मालूम है 3, ये हमको आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मीन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है। पहले से हम इसी फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, अब सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, आपको आ जाएगा ए कितना हो गया 75.5, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है हमारे पास 4, सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास 30, ये 4 इंटू एच कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आ गया 3, एच 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 75.5 प्लस 4 बाई 10। अब 4 को 10 से डिवाइड कीजिए, 0 0, 10 4 40, तब हम क्या कर सकते हैं 75.5 प्लस 0.4, ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75.9, ये आपका आंसर होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।